हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। फाइनली वीडियो बनाने का मौका मिल गया और मैं स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ 17 और 18 फरवरी को, जो आप एग्ज़ाम में बैठने वाले हो, यूपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में। ठीक है, बहुत सी क्वेरी आ रही हैं और फोन भी आने स्टार्ट हो गए हैं। भैया देखो, अब लास्ट के 15-17 दिन हैं, 17-18 दिन आपके पास बचे हैं। आज हो गई 1 तारीख, और अगर 17-18 दिन आपके पास हैं तो इन 17-18 दिन को कैसे यूटिलाइज करना है और जो आपके साथ हो रहा होगा, मैं वही वीडियो में डिस्कस करने आया हूँ। जो ज़्यादातर क्वेरी मेरे पास आ रही हैं और जो जब मैं तैयारी करता था ना, तब मेरे साथ भी सेम चीज़ होती थी जो आपके साथ हो रहा है। ठीक, सबसे पहली बात, 17 दिन है, 17 तारीख को आज, 17 को या 18 को, जब भी आपका एग्ज़ाम होता है 17 या 18 में, आप एग्ज़ाम में बैठ गए होंगे, फर्स्ट शिफ्ट वाले और सेकंड शिफ्ट वाले बैठने वाले होंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात तो ये है, आपको जो 15 दिन 17 दिन बचते हैं ना, जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आती है, एक तो सबसे पहला होती है नर्वसनेस, एनजाइटी, स्ट्रेस, ये सबके साथ होता है। ऐसी बात नहीं है कि आपके साथ कुछ नया हो रहा है। जब मैं एग्ज़ाम देता था ना कि कल को एग्ज़ाम है, तो आज रात नींद नहीं आई, पूरी रात नींद ही नहीं आई, अगले दिन एग्ज़ाम में बैठा हूँ बिना नींद के, पूरी रात नींद नहीं आई कि मैथ्स में इतने बन जाए, रीजनिंग में इतने बन जाए, इंग्लिश में इतने बन जाए, यही सब चलता रहता था 15-17 दिन पहले। यही मेरे साथ होता रहता था, कहीं खाना खा रहा हूँ कि रीजनिंग में इतने बन जाए, मैथ्स में इतने बन जाए, तो मेरा स्कोर 160 हो जाए, 170 हो जाए 200 में से, और मेंस में इतने बन जाए। अगर कहीं भी जा रहा हूँ, यही दिमाग में चीज़ें होती हैं, सबके साथ होती हैं। और जब होता है ना, जब बंदा लगातार फेल हो, तो उसको डाउट भी हो जाता है कि यार वहाँ मैं एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। ये सबके साथ है, सबके साथ होता है। इन चीज़ों को ही आप हरा कर आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। ये चीज़ आपके साथ होनी है, एग्ज़ाम तक होंगी। और मैं कितना ही आपको वीडियो में समझा लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप थोड़े दिन के लिए रिलैक्स हो जाएंगे, लेकिन ये चीज़ें रुकने वाली नहीं है। दूसरी चीज़, सिली मिस्टेक। भाई सिली मिस्टेक तो प्रैक्टिस का खेल है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा से ज़्यादा आपका ये है चांसेस है कि आपके सिली मिस्टेक कम हो। जितनी प्रैक्टिस, सिली मिस्टेक होती क्यों है, जितने आप नर्वस हो गए, जितने खुद पे डाउट होगा, डाउट आएगा, धीरे धीरे डाउट आना स्टार्ट होगा कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, 210 बन पाएंगे। एक तो सबसे चीज़ यार, ये मत सोचो कि 210 बनाने, 220 बनाने, ये चीज़ें आपके दिमाग में आनी नहीं चाहिए। 15-17 दिन आपको लगातार रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे, सारी चीज़ें भूल जाए। एक और मैं बात यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ, शादी का सीज़न चल रहा है, अगर आपके किसी यार दोस्त की शादी है तो मैं तो यही बोलूँगा स्किप करें। एक एक सेकंड की वैल्यू है, एक एक मिनट की वैल्यू है आपके लाइफ में, ये एक एक मिनट आपको फ्यूचर बनाने के लिए मदद करेगा। ठीक, अगर घर में शादी है, बहुत ज़्यादा शादियाँ का सीज़न चल रहा है, अगर घर में भी शादी है, ऐसा नहीं है कि पूरे 3-4 दिन लगे रहे, आप अपनी स्टडी के लिए भी टाइम निकालते रहें, और जहाँ स्किप हो सकता है बिल्कुल स्किप कर दें। अगर जाना कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है, तो आप जाएं 1-1.5 घंटे में वापस आ जाएं और पढ़ने बैठ जाएं। पढ़ाई और पढ़ाई, सिर्फ 15-17 दिन पढ़ाई करनी है आपको। मॉक टेस्ट मैं बता दूं, 15 दिन में कम से कम 3-4 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। 12 तारीख के बाद आपको एक भी मॉक टेस्ट नहीं लगाना, 10 या 12 तक आप लगा सकते हैं, 10-12 तारीख के बाद आपको एक भी मॉक टेस्ट नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। जितने मॉक टेस्ट में आपके यहाँ नंबर बन रहे हैं, ये बिल्कुल ये मैंने अपने ऊपर आजमाई बात है, जितने आपके यहाँ नंबर बनते हैं वहाँ जाके आपको ज़्यादा ही नंबर बनते हैं, ये बिल्कुल रियल बात है। अगर आपके यहाँ 220 बन रहे हैं तो वहाँ भी आपके 215, 220, 222 बन जाएंगे बहुत आराम से, अगर आप नर्वस नहीं होए तो। जितने नर्वस होगे उतनी ज़्यादा सिली मिस्टेक होने के ज़्यादा चांसेस हैं, जितने ज़्यादा होपलेस होगे उतनी ज़्यादा। देखो, अब ये बोलो कि मैं, मेरे 3-4 बार से पेपर नहीं निकल रहा और 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, भाई ज़्यादातर बंदों के साथ यही हो रहा है कि 2-4 साल से पेपर नहीं निकल रहा, 5 साल से पेपर नहीं निकल रहा, यही सबके साथ रिपीट चीज़ हो रही है। तो अगर आप अपने जो ये जो जितने भी आ रही हैं आपके साथ डिफ़िकल्टीज़, इनको ख़त्म करना चाह रहे हो, तो आपके पास ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि 17-18 में आप बहुत शांति से, बहुत ज़्यादा शांति से आप पेपर लिखें। जितना ज़्यादा से, जितने ज़्यादा काम और शांति से आप पेपर लिखेंगे बिना नर्वस होके, उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं।
ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स रहें, जितना रिलैक्स है, कुछ सोचना नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। 17 दिन लगातार स्टडी स्टडी करनी है आपको, और ज़्यादा कुछ नया चीज़ नहीं करना। हिंदी में लगातार रिवीजन करते रहें, पर्यायवाची विलोम सब। मैंने बार बार बोला है कि भाई एक किताब 10 बार ज़्यादा अच्छा रहता है, 10 किताब एक एक बार पढ़ी जाए। तो एक ही किताब को मैंने लूसेंट बोला था, लूसेंट ही आप बार बार पढ़ते रहे, बार बार पढ़ते रहे। वीडियो में जो मेरे नंबर आए थे 49 सही थे आउट ऑफ 50, वो मैंने लूसेंट ही पढ़ी थी बार 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 बार। अगर मैं एग्जाम देने जा रहा था ना, एग्जाम तो रास्ते में भी लूसेंट ही पढ़ रहा था, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोलूंगा 17 का एग्जाम है, 15 को किताब छोड़ दो, ये बिल्कुल ना करें। पढ़ते रहें, लगातार पढ़ते रहें। और जो मैंने प्रैक्टिस सेट दी है, देखो यार रीजनिंग बहुत आएगी। रीजनिंग में नॉन वर्बल की मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल 200 out of 200 पे, वहाँ जाके आप सारे एक बार नॉन वर्बल की जरूर लगा लेना। नॉन वर्बल का जो वेटेज है वो ज़्यादा रहती है, नॉन वर्बल के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं एग्जाम में। बिल्कुल पढ़ते रहें, उनके लिए तो यार बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिनकी 3-3 साल ज़्यादा एज बढ़ गई है, एज लिमिट हो गई है, तो उनके साथ तो जहाँ उनको उनके सामने अंधेरा था, उनको एक होप है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। 30-35 हज़ार की नौकरी आज के टाइम में सरकारी बहुत बड़ी बात है। मैं तो ये कहता हूँ, एक स्टेबल जो लाइफ में अनस्टेबिलिटी है ना आपके में, क्योंकि इधर उधर उधर, एक तरह से स्टेबिलिटी काफ़ी हद तक आ जाएगी लाइफ में। फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा आपका बैकअप हो जाएगा फाइनेंशियली, और मेंटली भी आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स होगा, मेंटली भी आप अच्छे हो जाएंगे। देखो सारी चीज़ें जॉब पे डिपेंड कर रही हैं इस टाइम तो आपके पास, तो मैं बार बार बोलूँगा 17 तक लगातार पढ़ते रहें। नर्वस हो और ये सब सबके साथ होता है, एनजाइटी स्ट्रेस, आपके साथ कुछ नया नहीं हो रहा, मेरे साथ तो बहुत कुछ होता था, तो यही सब चीज़ होता था, कुछ ज़्यादा नहीं कि आए और डाउट हो गया कि भाई मेंस में क्या हुआ कि 200 में से 190 बन जाए, 195 बन जाए, 192 बन जाए। जब मैंने मॉक लगाई तो 185, 190 और वहाँ जाके मेरे 200 में से 200 बन गए, ठीक है ना। तो आप जितना अपने आप पे कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल करना सीखें, जितना नेगेटिव थॉट से बचें, नेगेटिव नहीं सोचना कि कितने बनेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। जब सोसाइटी का प्रेशर पड़ता है ना, तो ये सब चीज़ नर्वसनेस। देखो 50 लाख में फॉर्म भरे, सब नर्वस नहीं हो रहे होंगे, नर्वस वो लोग हो रहे होंगे जिनको पता है कि यार ये जॉब लगनी बहुत मैंडेटरी है, ठीक है ना, और तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं वो, और उनको लगता है यार ये जॉब मिल गई तो ठीक है, नहीं तो नहीं मिली तो बहुत कुछ खराब हो सकता है, तो वो और प्रेशर बढ़ जाता है। ये सब ना सोचें, 200 220 लग जाएंगे बहुत आराम से, अगर आपके यहाँ मॉक टेस्ट में लग रहे होंगे। ऐसी बात नहीं है जिनके 150 160 लग रहे हैं वो पेपर देने नहीं जाएं, बिल्कुल जाएं पेपर देने, आराम से पेपर लिखें, बिना कुछ सोचे लिखें, और प्रैक्टिस लगातार करते रहें। नॉन वर्बल की मैं बोलूँगा GS करंट पढ़ते रहें, पर्यायवाची विलोम हिंदी सब पढ़ते रहें, और करंट भी और मैथ्स के भी जो मैंने आपको PDF प्रोवाइड कराई है वो भी आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें। 17 तक आप बस सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ठीक। जो भी आपकी क्वेरी है वो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता दें। लास्ट के 15 दिन आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, और ये सब चीज़ें चलेंगी, ये रुकने वाली नहीं है। मैंने बोल दिया, वीडियो बना दिया, हो सकता है 1-2 दिन के लिए आपको राहत मिल जाए, रिलैक्स हो जाए आप, लेकिन ये चीज़ें एग्ज़ाम तक 17-18 तारीख तक चलेंगी, और 18 तारीख को आप एक साथ रिलैक्स हो जाओगे कि यार ये भैया कहते थे सही कहते थे, बिना बात की हमने प्रेशर लिया। पेपर बहुत, ऐसा नहीं है कि पेपर यार कोई UPSC लिखने वाले हो आप या IIT JEE का एग्ज़ाम लिखने वाले हो, कांस्टेबल का पेपर है, बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी। ऐसी बात नहीं है कि आपसे कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ पूछा जाएगा, जो प्रीवियस ईयर पूछे जा रहे हैं वही आपसे पूछे जाएंगे, बस क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं लेकिन पैटर्न सेम ही रहना है, ठीक है ना। तो पढ़ते रहें, और जो भी है कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दें, भैया ये डाउट है ये डाउट है। बाकी मैं नॉन वर्बल की आपको सेंड कर दूंगा मेरा टेलीग्राम चैनल 200 out of 200। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बिल्कुल किताबों से लगे रहें 17-18 तारीख तक, ठीक है ना। चलो बाय।